हेलो एवरीवन, पूनम सुकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी ना गर्मियों में मैंगो और कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद है तो आज मैं आप लोग के साथ ना मैंगो फ्यूजन कुल्फ़ी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और सुपर डिलीशियस। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलिए मैंगो फ्यूजन कुल्फ़ी केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर एक बड़ा पतीला लिया है, नीचे मैं स्टैंड रख दूँगी। ऊपर से लिड लगा कर ना इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हम प्रीहीट होने देंगे, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर अपने केक टिन को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना 5 इंच डायमीटर का केक टिन है, बटर पेपर लगा कर ऑयल से ग्रीस कर दूँगी और ये रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसको भी साइड में रख देंगे और अब चलते हैं अपने केक के बैटर के पास। यहाँ पर ना एक मिक्सी जार में मैंने 1/4 कप चीनी लिया है और इसी के साथ और भी 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी और इसी में मैं 2 इलायची भी डालकर पीस लूँगी, ठीक है। और इसका फाइन पाउडर रेडी कर लूँगी, ये रेडी है। इसके बाद ना एक मिक्सिंग बोल में मैंने 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें कोई शार्प स्मेल नहीं होना चाहिए। 1/4 कप ये फ्रेश दही है और ये ना रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसके बाद ना 1/4 कप इसमें मैं दूध डाल रही हूँ और इन सब चीज़ों को ना एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमने अपने पाउडर को बनाकर रखा हुआ है चीनी और इलायची के, उन सबको इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर देंगे। और इलायची से ना इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद ना इसके ऊपर से मैं एक छन्नी रखूँगी और इसमें मैं ना 3/4 कप मैदा डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और थोड़ा सा नमक है 2 चुटकी जितना, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम छान लेते हैं। और दोस्तों, नमक क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करेगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका लम्प फ्री और स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लेंगे। और दोस्तों, मिल्क पाउडर को डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आज क्योंकि हम कुल्फी फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो मिल्क पाउडर का क्रीमी टेस्ट ना केक में बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया है, एकदम लम्स फ्री है। तो बस अब क्या कर रही हूँ ना, मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं इसके ऊपर से और ना बैटर में लाइटली मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है आपको इस स्टेज पे, एकदम धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा। और जैसे ही ये मिक्स हो जाए ना, अपने प्रिपेयर किए हुए केक टिन में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं। अब ना इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे और प्री हीटेड अपने पतीले में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। केक को बनने में ना 35-40 मिनट्स का वक्त लगेगा लो फ्लेम पर। अवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट्स के लिए कन्वेक्शन मोड पे बेक कीजिएगा। देखिए, केक बहुत ही अच्छा फूल गया है और अब ना मैं इसको एक बार चेक कर रही हूँ। ये देखिए, टूथपिक एकदम क्लीन निकला है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, यहाँ पर केक को बाहर निकाल लेंगे, ढक कर इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब चलते हैं अपने क्रीम बीटिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया है और इसको ना मैं बीट कर लूँगी। स्टार्टिंग में लो स्पीड पे बीट करेंगे, धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएंगे और टोटल 7 से 8 मिनट में मैंने अपने क्रीम को बीट कर लिया है। एकदम स्टिफ पीक्स आने तक हमें इसे बीट करना है, ये देख सकते हैं आप, ये रेडी है। अभी के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और अब हमारे यहाँ पर केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको भी मैं डीमोल्ड कर लूँगी, नाइफ से ना हल्का सा लूज़ कर लूँगी मैं और इसको टर्न कर दूँगी। और यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, बटर पेपर को हटा दूँगी मैं। केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हमारे यहाँ पर केक बन गया है। मैं इसको ना लेयर्स में डिवाइड कर लूँगी, आप देख सकते हैं केक एकदम सॉफ्ट बना है। तो ये जो पहले ऊपर वाला लेयर है ना, इसको मैं कट करके हटा लूँगी और इसको मैं केक में यूज़ नहीं करूँगी। इसको आप इसी तरह से चाय के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसके अंदर की जाली को देख सकते हैं ना, एकदम परफेक्ट तरह से आई है और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आप लोग के साथ रबड़ी केक की रेसिपी शेयर की है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो केक भी बहुत ही टेस्टी बनती है और ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ अगर आप केक को सर्व करेंगे तो वो बहुत ही डिलीशियस लगता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। केक को ना मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर ये कुल्फ़ी लिया है जिसे मैंने घर पे ही बनाया था और ना मैंने कुल्फ़ी को फ्रीज़र से 1/2 घंटे पहले निकाल के रख दिया। कुल्फ़ी मेल्ट हो गया है तो इसके आइसक्रीम स्टिक को निकाल दूँगी और इस कुल्फ़ी वाले मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल के रख लेंगे। इसको ना हम हाफ ऑफ करके एक सेपरेट बोल में निकाल के रख लेंगे। तो ठीक है, 1/2 हिस्से को ना मैं निकाल कर एक दूसरे बोल में रखूँगी और इसमें मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी
ये देखिए, और इसको ना मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी, और ये जो पतला वाला कुल्फी का मिक्सचर है ना, इसको हम एज अ शुगर सिरप आज यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं असेंबलिंग करते हैं। यहाँ पर एक कटोरी के ऊपर ना मैंने चकला रख लिया है, और इसको हम टर्न टेबल की तरह यूज़ करने वाले हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा हम क्रीम लगाएंगे, सबसे पहले अपने केक के बेस को रखेंगे, और ये जो हमने शुगर सिरप अभी अभी रेडी किया है, इससे हम केक को अच्छे से सोक कर देंगे। अगर आपको लगे कि केक ये सोक नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा और दूध डालकर इसको पतला कर लीजिएगा, और इसके बाद अपने क्रीम को भी हम लगा लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह से एकदम स्प्रेड कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद ये जो थिक वाला कुल्फी वाला मिक्सचर है, इसको भी मैं इसके ऊपर डालूंगी, और अच्छे से ना क्रीम के साथ ही मैं मिक्स कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर से ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट को डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आलमंड्स और पिस्ता को डाला है। अपने केक के सेकेंड लेयर को मैं रखूँगी, और इसको भी अपने कुल्फी वाले शुगर सिरप से सोक करूँगी। थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी, और इसके ऊपर मैं ये मैंगो क्रश डाल रही हूँ। और मैंगो क्रश कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर से मैं थोड़े से फ्रेश मैंगो के चंक्स हैं, इसे भी डाल दूँगी, और क्रीम के साथ ही थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर दूँगी, ताकि वो सेट हो जाए। अपने केक के थर्ड और टॉप मोस्ट लेयर को रख रही हूँ, इसको भी सोक करूँगी, और अब ना केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर दूँगी। दोस्तों, कुल्फी और मैंगो का फ्यूजन फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, और इसको ना आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये केक। और आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे और क्या नई नई रेसिपीज़ ट्राई करनी चाहिए, आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छे से केक को ना क्रीम से कवर कर लिया है, थोड़ा सा फिनिशिंग भी कर दिया है। केक को अब फ्रिज में रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये 50 ग्राम लिया है मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट, और इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चम्मच मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम है। इसको ना मैं एक गर्म पानी के पतीले के ऊपर रख दूँगी, और बीच बीच में मिक्स करती रहूँगी, और 10 मिनट के लिए ना इसी तरह से छोड़ दूँगी इसके ऊपर। इससे क्या होगा ना, हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसको पतीले के ऊपर से निकाल लेंगे। थोड़ा सा मुझे थिक लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी, मैंने यहाँ पर हल्का गर्म दूध डाला है, और इसको मिक्स कर लिया है। ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो अब ना अपने केक को भी निकाल लेते हैं, और अपने वाइट ट्रफल गनाश को हम इसके ऊपर से पोर कर देते हैं, ठीक है। और पहले बीच से पोर करना स्टार्ट करेंगे, साइड में ये खुद ही फैल जाएगा, और इसके बाद जो गनाश नीचे गिर जाएगा ना, उसको भी आप चम्मच से उठा उठा कर साइड में डाल सकते हैं, और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एकदम अच्छे से हम गनाश से केक को कवर कर लेंगे। और अभी ना मैं इंस्टा पे भी काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ, और नए नए रील्स भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी ना मैंने अच्छे से केक को गनाश से कवर कर दिया है, और अच्छे से स्प्रेड भी कर लिया है। इसके बाद ना केक को निकाल कर मैं केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, और क्योंकि आज हम मैंगो फ्यूजन केक बना रहे हैं, तो डेकोरेशन में ना ऊपर मैंगो का दिखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर ना मैंगो को इस तरह से कट कर लिया है, और इसके बाद ना मैं इसको ऊपर में लगा दूँगी। और आप चाहे तो डेकोरेशन को अपने मनपसंद अनुसार रख सकते हैं। मैंने जस्ट सोचा कि क्योंकि मैंगो फ्लेवर है, तो ऊपर में मैंगो का दिखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। और इसके बाद ना ये ना मैंने छोटा वाला चम्मच लिया है, ये 1/4 टीस्पून है, ठीक है। और इससे ना मैं इस तरह से रोटेट करके मैंगो के पल्प को निकाल लूँगी। यहाँ पर ना मैंने मैंगो को इस तरह से प्लेस कर दिया है, तो एकदम अच्छे से प्लेस कीजिएगा। आप चाहे ना तो एक टूथपिक के साथ अंदर में इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का ना ट्रफल के ऊपर से फिसलने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने इसके बाद क्लोज स्टार्टिप वाला नोज़ल लिया है, इस तरह से फ्लावर्स को क्रिएट किया है, और ऊपर से जो हमने टीस्पून से अपने पल्प को निकाला था ना मैंगो वाला, वो हम ऊपर में रख देंगे। और अब यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ मैं केक को कवर कर दूँगी। तो एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे यहाँ पर मैंगो फ्यूजन कुल्फ़ी केक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। लास्ट में ना बस मैं यहाँ पर बॉर्डर दे दूँगी, और बस ये कम्प्लीट हो गया। तो ये देखिए, एकदम डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।